राधे राधे सभी को। ये देखिए, ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया था। इसके बाद ये यहाँ जॉइंट कर दिया और पांच चेन बना लेंगे और इसको फिर यहाँ डबल क्रोशे के साथ ये जो गैप है इसमें यहाँ ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। शुरू में थोड़ी कठिनाई होगी, फिर बाद में सब सही हो जाएगा। ये डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे शुरू से स्टार्ट किया था ये डिज़ाइन, पहली बार में हमें 10 करने होते हैं और फिर ऐसे टर्न करके इसको यहाँ जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच के साथ। फिर दो चेन लेंगे और यहाँ ये जो इनके बीच का ये जॉइंट होता है, यहाँ पहले इसको डबल क्रोशिया के साथ स्टिच करेंगे और फिर तीन चेन लेंगे। जैसे डिज़ाइन यहाँ बताया था सेम उसी तरीके से प्रोसेस। फिर यहाँ सेम ऐसे ही करते करते जितने ये डिज़ाइन हैं इनके ऊपर सब यहाँ तक डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। इन सब के ऊपर एक एक डिज़ाइन बनाएंगे, सेम प्रोसेस। इसके बाद फिर इधर पिकॉक का स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ जॉइंट हो गया। इसके बाद मैंने एक दो हाफ डबल क्रोशिया, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया और फिर एक में ही तीन ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया और उसके बाद एक दो तीन चार, यहाँ तक हाफ क्रोशिया, ये चार हाफ क्रोशिया और उसके बाद ये देखिए यहाँ तक कर लिया। इसके बाद जो ये पिकॉक की गर्दन है, अब इसे हमें इस तरफ को रुक देना है, इस तरफ को ऐसे थोड़ा। तो अब यहाँ हम ऐसे करते चलेंगे हर चेन में, ये कर लिया, फिर यहाँ ध्यान रहे कि कोई चेन स्किप ना हो जाए, ऐसे कर लिया, दो दो चेन में कर लिया, फिर एक यहाँ, ये इन सबको एक साथ माइनस करेंगे। ये देखिए पिकॉक इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ये पिकॉक। फिर इसको इस तरफ से हमें ये ज़्यादा नहीं बढ़ाना है पिकॉक, फिर ऐसे करेंगे बस, नहीं तो इसकी गर्दन मोटी हो जाएगी। फिर अभी देखिए आप, ये जो चेन है इसको हम यहाँ से लेंगे और इसको ऐसे बस इसको जोड़ देंगे और फिर यहाँ अब एक चेन लेंगे और फिर ऐसे
इतना सुंदर इसको ऐसे एक कट सा आ जाएगा यहाँ से। ऐसे ही करते जाएंगे, ये देखिए ये यहाँ तक कर लिया ऐसे ही। अब ये देखो ये थोड़ा यहाँ से ऐसे हो रहा है, ऐसे टर्न सा हो रहा है, तो इसको हम पहले ऐसे पिको की गर्दन ऐसे करेंगे और यहाँ इधर से ऐसे करेंगे और इस चेन से बुनेंगे, इस चेन से जॉइंट कर देंगे इसको। देखो ऐसे करके ध्यान रहे पिको का, ये गर्दन ऐसे होनी चाहिए और ये जो ये है इधर ये चेन, इस चेन में चेन लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। ये देखो ठीक है ना, फिर आगे सेम ऐसा ही प्रोसेस जो उधर किया था वो इधर भी फॉलो करेंगे। ये देखिए ये यहाँ तक कर लिया, इसके बाद जो प्रोसेस इधर फॉलो किया था वही हम इधर फॉलो करेंगे, जिससे इसकी गर्दन थोड़ा इधर टर्न हो गई और इसकी इधर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो तीन चेन हैं इनमें सब में एक एक बार ऐसे क्रोशिया निकालेंगे, धागा लेंगे ऐसे ऐसे दो और फिर यहाँ, और फिर इन सबको एक साथ ऐसे ये इस तरफ को हो जाएगा और ये इस तरफ को, ठीक है ना। फिर सेम जो इधर किया था वो ही हम इधर करेंगे। ये देखिए जैसे इधर का ये कंप्लीट किया था वैसे ही मैं इधर का भी ये कंप्लीट कर चुकी हूँ। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से बीच से थोड़ा आप लूज हाथ रखेंगे जब ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, तो इससे क्या होगा जो पिकॉक ऐसे बैठा है ना इधर को गर्दन करके वो थोड़ा और अच्छा लगेगा, उभरा हुआ बनेगा। और इसको फिर यहाँ पहले स्लिप स्टिच के साथ ऐसे कर देंगे और फिर यहीं से पांच चेन लेंगे और यहाँ जॉइंट करेंगे। ये और ये डिज़ाइन जैसे इस तरफ बनाया वैसे ही हम इस तरफ भी ये डिज़ाइन बनाएंगे। और बस ये वाइट कलर का काम तो पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन से ही जो है वो इसकी पीकॉक की जो गर्दन की यहाँ है ये माला और ये इसकी ये इधर चोंच और इधर ये इसके फिदर से होते हैं ना सर पे, ये सब आउटलाइन से ही बनेंगे।